ये इस सवाल में एक स्प्रिंग एक मास m है और इनिशियली ये नेचुरल लेंथ में है। m मास को एक कांस्टेंट फोर्स से, ये एक कांस्टेंट फोर्स है जो एक आदमी लगा रहा है, तो कांस्टेंट फोर्स लगाएगा तो देखिए एग्जैक्टली होगा क्या। कहीं यहाँ पे एक मीन पोजीशन आएगा x नॉट दूरी पे, जहाँ पे ब्लॉक F जो है और स्प्रिंग वाला जो फोर्स है ये x नॉट है, इधर फोर्स लगेगा k x नॉट, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। ये इस पे नेट फोर्स जीरो होगा तो ये मीन पोजीशन होगा, k x नॉट बराबर F, यानी x नॉट इक्वल टू F बाई k, ये मीन पोजीशन है। तो ये मीन पोजीशन पे क्या ये ब्लॉक रुक जाएगा, ये सोचना है। शुरुआत में क्या है, शुरुआत में ये नेचुरल लेंथ में इस पर फोर्स ये कुछ नहीं लगा रहा है, जीरो लगा रहा है, लेकिन ये फोर्स एफ लगा रहा है, तो इस पर नेट फोर्स इधर की तरफ होगा, मैक्सिमम होगा, तो एक्सलेट करना शुरू करेगी फ्रॉम जीरो वेलोसिटी। फिर जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ये फोर्स कुछ होगा, कुछ वैल्यू दो एक न्यूटन छोटे मोटा, लेकिन ये फोर्स अभी भी बड़ा है। ये फोर्स इन दोनों के कब बराबर होगा, इस जगह, इससे जस्ट पहले ये हमेशा बड़ा ये रहेगा, ये बड़ा रहेगा तो एक्सेलरेशन हमेशा इधर रहेगा, और एक्सेलरेशन जब तक इधर रहेगी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जाके एक्सेलरेशन इसका जीरो हुआ है, यहाँ पे जाके एक्सेलरेशन जो है नेट फोर्स जीरो है, हाँ उसी बात कर रहे हैं वेलोसिटी के बारे में, और इस समय एक्सेलरेशन अभी इधर है और स्पीड बढ़ रही है, तो यहाँ तक स्पीड बढ़ेगी, इसलिए ये वो पोजीशन है जहाँ स्पीड उसकी मैक्सिमम होगी। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये रेस्ट में नहीं है, ये तो अपने मैक्सिमम स्पीड से है, तो ये इस मीन पोजीशन वाली जगह को ये पार करके आगे जाएगा, जैसे आगे जाएगा ये फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन अब जो इधर था इससे पहले अब इधर हो जाएगा, तो स्पीड घटेगी, और ये कहीं और यहाँ आके कहीं ये स्पीड इसके बाद कहीं यहाँ पे आके ये अब एक्सेलरेशन इधर है, कहीं यहाँ पे स्पीड इसकी जीरो होगी, तो ये मीन पोजीशन नहीं है, मीन पोजीशन यहाँ है, तो मीन पोजीशन से जितना ये आगे जाएगा यही एम्पलीट्यूड होगा। अब यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन इधर है, ये स्प्रिंग वाला फोर्स बड़ा हो चुका है, अप्लाइड फोर्स है, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, के एक्स लग रहा है और इधर एफ लग रहा है, ये काफ़ी बड़ा है, तो ये वापस आएगा और इसी पॉइंट के अबाउट ये जो मीन पोजीशन यहाँ पे है ये इसी के अबाउट ये टू एंड फ्रो एस एच एम करेगा। चूँकि हमने बताया आपको कि ये फोर्स कांस्टेंट है, और इससे पहले अभी हमने अपने लेक्चर में बताया कि कांस्टेंट फोर्स टाइम पीरियड ऑफ फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज करता, तो टाइम पीरियड जो होगा इस सिस्टम का टी जो होगा टू पाई अंडर रूट एम बाई के ही होगा। अब इसमें कई चीज़ें पूछा इस सवाल में कि एम्पलीट्यूड भी बताइए कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो ये यहाँ से इस जगह से ये यहाँ पे गया था, कितना गया ये एक्स नॉट, ये निकल चुका है मीन पोजीशन, हमें ये पता लगाना और आगे कितना गया, तो यहाँ एनर्जी से पता चलेगा ये चीज़। ये नेचुरल लेंथ है यहाँ पे, ये नेचुरल लेंथ है, सबसे बड़ी बात बताइए यहाँ से ये आगे सपोज एक्स गया, तो ये जब x गया f फोर्स बाहरी फोर्स है, इंटरनल नहीं है ये बाहरी फोर्स है, x आगे ले गया f कांस्टेंट फोर्स है, तो ये बाहर वाला फोर्स कितना वर्क करेगा, एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वर्क कितना करेगा, फो f इंटू एक्स। ये जो वर्क किया ये बाहरी फोर्स जो वर्क किया वो वर्क कहाँ जाएगा इस सिस्टम में, इस समय तो ये रेस्ट में है, काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो सिस्टम में जो W ये जो वर्क है, हमने पढ़ा है कि वर्क कभी भी किसी सिस्टम में होता है तो वो उस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में चल जाए, चाहे काइनेटिक चाहे पोटेंशियल, तो इतनी एनर्जी कहाँ जाएगी सिस्टम में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर इतनी स्टोर हुई है, तो जो वर्क है एफ एक्स इक्वल टू वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो गई, जो पूरी एनर्जी है इससे यहाँ से शुरुआत से नेचुरल लेंथ से जितना फैला वो निकल जाएगा। तो निकालते हैं, एक एक्स कट गया, एक्स बराबर हो गया टू एफ बाई के। अब एक चीज़ देखिए,
जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन वो नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट दूरी पे है। नेचुरल लेंथ मान लीजिए यहाँ पे नेचुरल लेंथ है, यहाँ से यहाँ पे मीन पोजीशन आया और ये एक्सट्रीम पोजीशन आया। मीन पोजीशन एक्स नॉट है जिसकी वैल्यू हमारी आई थी, एक्स नॉट की वैल्यू एफ बाई के आई थी, एफ बाई के आई थी, और पूरी जो दूरी आई है जहाँ पे जाके रुका है, वेलोसिटी जीरो ही है, वो टू एफ बाई के आई है। ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से कितना आगे बढ़ गया, इसके में से ये दूरी घटा देंगे, यहाँ से ये दूरी मालूम है, यहाँ से ये दूरी मालूम है और यहाँ से ये दूरी मालूम है, तो यही दूरी क्या चीज़ होगी हमारी, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बराबर हो गया टू एफ बाई के माइनस एफ बाई के, यानी एफ बाई के, ये एम्पलीट्यूड हो गया। नोट करिए इसको, इसमें पूछा क्या क्या था, एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड पूछा था, एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में सिर्फ एनर्जी कितनी स्टोर होगी जब मीन पोजीशन से पासेस होगा, तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक पासेस थ्रू मीन पोजीशन। भैया देखिए, स्टोर्ड इन स्प्रिंग जो होगा वो हमेशा हाफ के एक्स स्क्वायर ही फार्मूला है उसमें, जब भी होगा एक्स का इलांगेशन, तो मीन पोजीशन पे जब पहुंचा है यहाँ पे तो स्प्रिंग कितना इलांगेट हुआ है, एक्स नॉट, तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर होगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के, और एक्स नॉट की वैल्यू है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ के एफ स्क्वायर के स्क्वायर, एफ स्क्वायर बाई टू के। और एक चीज और पूछा है सी भी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट पासेस थ्रू, हाँ, मीन पोजीशन। तो अब इस सवाल को ऐसे सोचेंगे कि यहाँ से जब यहाँ पे पहुँचा तो बाहरी जो फोर्स ने वर्क किया, जो एनर्जी दिया, वो दो जगह गई है, एक एनर्जी स्टोर हुई है और काइनेटिक एनर्जी हुई है। तो ये बताइए, यहाँ समझाते हैं, इस जगह से इस जगह जाने में बाहरी फोर्स ने कितना वर्क किया, एफ इंटू एक्स नॉट, और ये वर्क कहाँ, ये एनर्जी कहाँ गई है, एक गई है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। भाई जो बाहरी फोर्स वर्क कर रहा है, जो एनर्जी दे रहा है, वही जाएगा ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी में, स्प्रिंग में स्टोर एनर्जी में। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ के एक्स नॉट इक्वल टू जो वर्क किया बाहरी फोर्स, वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर में आई, पोटेंशियल एनर्जी में आई, जिसकी वैल्यू अभी हमने ये बताया है, प्लस काइनेटिक एनर्जी में। तो एफ के एक्स नॉट ये है, इसकी वैल्यू है हमारी कितनी, एफ बाई के इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई है, एफ स्क्वायर बाई टू के प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये एफ स्क्वायर बाई के, एफ स्क्वायर बाई टू के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई, इसके में से घटाएंगे, ये टू के ही हो गया। एक बात और समझ लीजिए, मेरी बात एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे किसी भी पोजीशन, मीन पोजीशन पे नहीं, किसी भी पोजीशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगा ब्लॉक में और जो एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल, इन दोनों का सम कौन सी एनर्जी होगी, जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा। तो अगर एक्स दूरी फैला है तो वर्क कितना किया बाहरी फोर्स ने, एफ इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस जो काइनेटिक एनर्जी, बट दैट्स ऑल।